1910 में दिसंबर की एक रात होंडुरस के निर्वासित पूर्व नेता मैनुअल बोनिया न्यू ऑरलीन्स में एक उधार ली गई नौका पर सवार हुआ। भारी हथियारों से लैस सहयोगियों के एक समूह के साथ वो किसी भी आवश्यक तरीके से सत्ता हासिल करने की उम्मीद में होंडुरस के लिए रवाना हुआ। बोनिया के पास एक शक्तिशाली समर्थक था, एक कुख्यात संगठन का भावी नेता जो अपनी लंबी पहुंच के कारण पूरे लैटिन अमेरिका में एल पुल्पो या ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता था। बदनाम एल पुल्पो एक अमेरिकी निगम था जो सभी चीजों में से केलों की तस्करी करता था। इसे आज आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी या चिकीटा ब्रांड्स इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। हजारों साल पहले सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में खेती की गई केले 1500 के दशक की शुरुआत में अमेरिका पहुंचे, जहां गुलाम अफ्रीकियों ने चीनी बागानों के साथ साथ भूखंडों में इसकी खेती की। वहां कई अलग अलग केले थे जिनमें से अधिकांश आज सुपरमार्केट के गलियारों में केले जैसे नहीं दिखते। 1800 के दशक में न्यू ऑरलीन्स और न्यू इंग्लैंड के कप्तान नारियल और अन्य सामानों की तलाश में कैरेबियन गए। उन्होंने जमैका, क्यूबा और होंडुरस के एफ्रो कैरेबियाई किसानों से ग्रोमिशेल नामक एक प्रकार का केला खरीद कर उसका प्रयोग करना शुरू किया। ग्रोमिशेल केले ने अपेक्षाकृत मोटी चमड़ी वाले फलों के बड़े गुच्छों का उत्पादन किया जो शिपिंग के लिए आदर्श थे। 1800 के दशक के अंत तक केले अमेरिका में लोकप्रिय हो गए। वे बहुत महंगे नहीं थे, साल भर उपलब्ध थे और डॉक्टरों द्वारा समर्थित थे। केले के बड़े व्यवसाय बनने के साथ अमेरिकी फल कंपनियां खुद के केले उगाना चाहती थी। भूमि तक पहुंच पक्का करने के लिए केला मुगलों ने मध्य अमेरिका में सरकारी अधिकारियों की पैरवी की और रिश्वत दी, और यहां तक कि सत्ता में सहयोगी को पक्का करने के लिए तख्ता पलट के लिए धन भी दिया। होंडुरस में मैनुअल बोनिया ने उस केला आदमी को भुगतान किया जिसने सत्ता में उसकी वापसी के लिए भूमि रियायतें दी थी। 1930 के दशक तक इस क्षेत्र पर एक कंपनी का प्रभुत्व था, यूनाइटेड फ्रूट, जिसके पास एक समय ग्वाटेमाला की 40% से अधिक खेती लायक भूमि का स्वामित्व था। उन्होंने बागान बनाने के लिए कोस्टारिका, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, होंडुरस और पैनामा में वर्षावनों को साफ किया, साथ ही मजदूरों के लिए रेलमार्ग, बंदरगाह और नगर बनाए। अपेक्षाकृत अधिक पगार वाली नौकरियों के लालच में लोग केला क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ग्वाटेमाला से कोलंबिया तक यूनाइटेड फ्रूट के बागानों में विशेष रूप से ग्रोमिशेल केले उगाए जाते थे। मजदूरों, घनी आबादी वाले इन खेतों में बहुत कम जैविक विविधता थी जिससे वे रोग महामारी से असुरक्षित रहते थे। इन कमजोर खेतों को जोड़ने वाला बुनियादी ढांचा तेजी से बीमारी फैला सकता है। रोगजनक मजदूरों के जूते रेलकारों और स्टीमशिप पर एक खेत से दूसरे खेत तक यात्रा कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था 1910 के दशक में, जब एक फंगस ने पहले पैनामा में और बाद में पूरे मध्य अमेरिका में ग्रोमिशेल के केले के बागानों को नष्ट करना शुरू कर दिया था, और उसी प्रणाली के माध्यम से तेजी से फैल रहा था जिसने बड़े मुनाफे और सस्ते केले को संभव बनाया था। पैनामा रोग के खिलाफ दौड़ में केला कंपनियों ने कोस्टारिका, होंडुरस और ग्वाटेमाला में संक्रमित बागानों को छोड़ दिया, जिससे हजारों किसान और श्रमिक बेरोजगार हो गए। फिर कंपनियों ने नए वृक्षारोपण स्थापित करने के लिए वर्षावनों के व्यापक इलाकों को काट दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्वाटेमाला और होंडुरस में यूनाइटेड फ्रूट ने जिन तानाशाही के साथ भागीदारी की थी उन्हें लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए सरकारों के सामने झुकना पड़ा, जिन्होंने भूमि सुधार का आह्वान किया। ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति याकब अर्बेन ने यूनाइटेड फ्रूट से जमीन वापस खरीदने और इसे भूमिहीन किसानों को पुनः वितरित करने का प्रयास किया। अर्बेन सरकार ने कर रिकॉर्ड के आधार पर कीमत का भुगतान करने का प्रस्ताव किया, जहां यूनाइटेड फ्रूट ने भूमि के मूल्य को कम बताया था। एल पुल्पो खुश नहीं था। कंपनी ने अर्बेन्स के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया और अमेरिकी सरकार में अपने गहरे संबंधों से मदद मांगी। साम्यवाद की आशंकाओं का हवाला देते हुए CIA ने 1954 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अर्बेन्स को उखाड़ फेंकने की साजिश रची। उसी वर्ष होंडुरस में यूनाइटेड फ्रूट के हजारों कर्मचारी तब तक हड़ताल पर चले गए जब तक कि कंपनी एक नए श्रमिक संघ को मान्यता देने के लिए सहमत नहीं हो गई। पैनामा रोग से निपटने की राजनीतिक और आर्थिक लागत बढ़ने के साथ यूनाइटेड फ्रूट ने अंततः 1960 के दशक की शुरुआत में ग्रोमिशेल से पैनामा रोग प्रतिरोधी कैवेंडिश केले की ओर स्विच किया।
आज मध्य अमेरिका में केले अब आर्थिक रूप से उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं और यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जिसे चिकीटा नाम दिया गया है, ने लैटिन अमेरिकी राजनीति पर अपनी पकड़ खो दी है। लेकिन आधुनिक केला उद्योग समस्याओं से रहित नहीं है। कैवेंडिश केले को बार बार कीटनाशकों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो फार्म वर्कर्स और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। और यद्यपि विग्रोमिशेल केले को प्रभावित करने वाले विशेष पैथोजन के प्रति प्रतिरोधी हैं, कैवेंडिश फार्मों में भी जैविक विविधता की कमी है, जिससे केले का व्यापार एक और महामारी के लिए तैयार है। इन वीडियो के साथ अपने दिमाग को विस्तृत रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप कुछ नया सीखने का मौका कभी नहीं चूकेंगे।